तो गाइस हमारी बाइक अभी निकुल भाई राइड करेंगे और मैं पीछे बैठूंगा। थोड़ी देर के लिए मैं हाथ में थोड़ा दर्द कर रहा है इसलिए मैं पीछे बैठूंगा। निकुल भाई भी व्लॉग बनाते हैं, उनकी चैनल है, मैं आपको डिस्प्ले में लिंक में डाल दूंगा। और निकुल भाई को सपोर्ट करो यार, मैं हर बार बोलता हूँ निकुल भाई को सपोर्ट करो। चलो निकुल भाई, भाई पहली बार एक बाइक पे दो व्लॉगर। तो चलो जल्दी से जल्दी निकल दी, एक काम कर। हाँ, सानंद पे अयन भाई का शॉप है, अयन भाई की दुकान है, वो बाइक का ही काम करते हैं, तो वहाँ पे नंबर प्लेट हमारी बाइक की लगवानी है। और थोड़ा हमारे बाइक का एक्सीलेटर है वो बहुत ही जाम हो चुका है, तो हम और ठीक करवाएंगे। तो ये एक्सीडेंट की वजह से मैं दो बार गिरते गिरते बचा हूँ। एक बार तो व्हीली मार रहा था तो मतलब फुल चिपक गया, तो कंट्रोल मैंने कर लिया बाइक, तो अच्छा है बच गया मैं। उसी दिन बाइक में इतना खर्चा आता था, बाइक में भी इतना खर्चा आ जाता और मुझे भी लग जाती। देख सकते हो क्रूज कंट्रोल यूज़ कर रहे हैं शायद नितिन भाई। नितिन भाई ज़्यादा तेज नहीं चलाते, निकुल भाई को बस नॉर्मली स्पीड पसंद है, कभी कभी चलाते तेज। तो कोई ना, मुझे नहीं पसंद स्लो स्पीड पर, कोई ना निकुल भाई चला रहे तो एडजस्ट करना पड़ेगा, अभी धीरे धीरे बढ़ेगी निकुल भाई। हाँ बाइक सर्विस मांग रही भाई, मेरे पास टाइम ही नहीं है सर्विस करवाने का भाई। क्या हुआ निकुल भाई? और बोलो जुबा कैसे रही? नेट डलवा दिया फोन में? कोई 15 वाला रिचार्ज कर दो ये जुबा। बोलो जुबा केसरी को। हाँ भाई, अरे बता दो बता दो, मोबाइल बता दो। पूरा लेमिनेशन मस्त है यार मोबाइल का, काफ़ी बढ़िया है, देख सकते हो भाई। मेरे को भी करवाना पड़ेगा, मैं यहाँ पर अपनी यूट्यूब चैनल लिखूँगा, ठीक है? बढ़िया है, मेरे को बताना लोकेशन कहाँ पे करते, मैं भी करवाऊँगा मोबाइल ऐसा। हाँ बढ़िया था यार। तो गाइस निकुल भाई का थोड़ा हेलमेट सेटअप हिल गया था, वो अभी ठीक करने रुके थे अभी, तो हो गया ठीक, तो चल रहे हैं बस, बाकी सब ठीक चल रहे हैं, बाकी सब ठीक चल रहे हैं। और भाई अभी टाइम कितना हुआ है पता ही नहीं। हाँ 3:00, अरे टाइम गलत क्यों हो गया? 3:30 नहीं बज सकते यार अभी, ऐसे दिन मालिक को बाइक दिया कुछ भी कर बैठा है, टाइम हटा दिया मेरा। कोई ना चलो ठीक कर लेंगे बाद में। भाई कल मौसम मस्त था, बढ़िया था, कल निकला होता व्लॉग बनाने तो मज़ा आ जाता, आज धूप है तो इतना गर्मी भी हो रहा है यार। हाँ तो गर्मी भी लग रही है यार बहुत ही, और पता है तो आपको पता ही होगा हेलमेट में क्या ही सर की हालत अपना हो जाती है, तुम्हें पता ही होगा हेलमेट के अंदर सर रखना मतलब गर्मी में अंडा भप जाता है, ऐसा हो जाता है सर। कोई ना, तुम्हारा भाई एडजस्ट कर लेगा, तुम्हारा भाई का काम है यही, तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा। और भाई लोग आप सपोर्ट करो यार, जल्दी से जल्दी 1K तो हो गए अपने, अब जल्दी से जल्दी 2K करवाओ। तो निकुल भाई पता नहीं कहाँ पे हमें ले जाएंगे सानंद के फिर आगे। निकुल भाई आए थे आज व्लॉग, नहीं तो आज मैं भी व्लॉग बनाने जाने वाला नहीं था। वैसे यार अकेला होता तो मज़ा नहीं आता व्लॉग में, कभी दोस्त होते साथ में तो मज़ा आ जाता। मैं डेली व्लॉग डालने की फुल कोशिश करता हूँ पर यार नाकाम हो जाता हूँ, मेरा मन नहीं लग रहा कभी यार, मतलब क्या ही बताऊँ। मैं अभी देखो परसों ही घर आया हूँ, मैं दिल्ली गया था शायद एक वीक रहा, दिल्ली हरियाणा वही घूमता रहा। और तो मेरा जॉब है वैसे, वो काम है टाटा मोटर्स की कार होती है वो ट्रांसफर करना, वहाँ पर हरियाणा में ट्रांसफर करनी होती, कभी कभी दिल्ली में ट्रांसफर करनी होती है,
तो मैं इस बार तो 4 दिन में मेरा काम ख़त्म हो गया और घूमने चला गया था। मैं तो घूम घूम के आया हूँ तो इसलिए व्लॉग बना नहीं पाया मैं। तो टोल टैक्स हमने पार कर लिया है। बोलो जुबा केसरी। तो गाइस ये लोग इसमें मजे कर रहे हैं और लुकमान बिहारी काफी खुश हो गया। शायद किसी ने 1 GB डाटा इसमें इसके अंदर डाल दिया है। तो गाइस हम फाइनली सानंद पहुंच गए। तभी बस थोड़ा आगे एक दुकान है अयन भाई की, वहाँ से बाइक का थोड़ा दिखा देते, ठीक करवा देते। भाई मैं खड़ा होता हूँ, निकुल भाई पीछे खड़ा होता हूँ मैं, ठीक है आगे व्यू दिखाता हूँ थोड़ा बहुत खड़ा होके। हाँ पूरा मस्त अच्छा लग रहा है खड़ा होके। तो बस बैठ जाता हूँ, ज़्यादा नहीं तो कोई बोलेगा छपरी, नाम खराब हो जाएगा यार। निकुल भाई यहाँ से अंदर ले लेना, वो अम्बेडकर चौक है ना वहाँ पे अंदर, वो मोबाइल की शॉप वगैरह है ना वहाँ नीचे ही अयन भाई की दुकान है। उस साइड लो, उस हाँ इधर से ले लो, ले लो वहाँ सामने, वो वहाँ पर ही दुकान है अयन भाई की। हाँ अयन अयन, हाँ अयन ऑटो गैरेज यही यही, हाँ ले लो इधर ले लो अयन भाई से। अयन भाई ने देख लिया, चेक आकर मैं उतर जाता हूँ। तो गाइस मैं उतर जाता हूँ, यहाँ पर ट्रैफिक बहुत रहती है। क्या हाल है अयन भाई? बढ़िया ना, बाइक करवाना है दिखाना है, एक सीटर चिपकता है। हाँ तो गाइस अभी मिरर खोल रहे हैं, यहाँ पे नंबर प्लेट लगेगा अपनी बाइक का। तो नंबर प्लेट बैग में पड़ी है, पहले खुल जाए फिर नंबर प्लेट लगा दे। और एक सीटर चिपक रहा था तो देख सकते हैं खुला है। अभी अयन भाई ठीक कर रहे हैं। तो अयन भाई अभी कहाँ गए, कुछ लेने गए, तो काम जारी है। और हमारे भाई ये खोल रहे हैं, निकुल भाई आपको भी लगाना तो हमारे पास लेकर जा सकते हैं। हाँ जरूर जरूर, खोलना आता है लेकिन लगाना नहीं आता। अरे भाई मतलब खोल दोगे लगा नहीं पाओगे। और बोलो जुबा केसरी, केसरी ही है साला। ज्यादा टाइट है कहाँ, हिस्सा खुलता है ऐसे मेरे को पता भी नहीं, ऊपर ऐसे ये कहाँ खुला, ये इधर खुला तो ये भी इधर ही खुलेगा। मिरर ऐसे ऐसे कर दो ना। खुल गया खुल गया, पकड़ो निकुल भाई पकड़ो, और नीचे जा तो रखो हो जाता है भाई। नंबर प्लेट की वजह से परसों हमने 800 रुपये का चालान कटवाया है। नंबर प्लेट नहीं था तो इस बार चालान नहीं कटवाएंगे। पहले तो ढीला हो गया, कोई ना इसको बदले, बंद करो चला गया। तो यहाँ पर एक मिरर हाथ में आ चुका है और दूसरा अभी खुल रहा है। ये देखो मिरर आ गए, और बंदे करने में कोई काम नहीं चल रहा है। देखो एक उसके हाथ में एक इसके हाथ में, मतलब बाइक में मिरर नहीं। तो यहाँ पर हमारी नंबर प्लेट लग चुकी है और मिरर नहीं लगाना है क्या? मिरर तो लगाने दो भाई, मुन्नत का क्या दिया, मिरर नहीं लगाना है क्या? खोलो तुम ले यार भाई, आप तो खोलो तुम क्या, ये कौन लगाएगा? गीता मंदिर से तो भाई लोग आपको किसी को कुछ रिपेयरिंग काम करवाना है तो इधर आ सकते हो। ये सानंद में ये अयन ऑटो गैरेज करके नाम है इधर। तो भाई एक्सीडर तो ठीक हुआ नहीं, बोल रहे बहुत कुछ प्रॉब्लम है, तो अभी सर्विस सेंटर में ही ठीक होगा, चिपक रहा है। तो अभी नंबर प्लेट लग गया है,
तो अभी जस्ट निकलते, चलो निकुल भाई निकालो भाई।